तू ऐसे हिंदुआ पा। अच्छा, जो वो गलत काम करता, जहाँ कोई लड़की की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, गौ माता की इज्जत नहीं कर सकता, वो हिंदू है। तू है ऐसे हिंदू प्रधानमंत्री बन रहे, तेरा रिश्तेदार है के मोदी नू बता दे मने। आपका रिश्तेदार कोई नहीं मानना मने, मैं किसी ने नहीं मानती। अच्छा, हिंदू रख आज लग मंदिर में नहीं गई। अच्छा, मैं किसी को नहीं मानती। अच्छा, मंदिर में आप जिसने मरता शिक्षा दी, जिसने मरता आजादी दिलवाई, जिसने मरता जीना सिखाया, जिसने मरता अधिकार दिलवाए, मैं उस सिर्फ उसको मानूंगी। आज तक आप गई नहीं मंदिर। अरे मोदी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी वहाँ घंटा बजाए जाओ फिर बैठ का 24 घंटे बैठो, देखा राम उसके मुँह में रोटी दे देगा के तोड़ का। मोदी हिंदुओं की आस्था है का। और मैं कहूंगी अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, तो चट्टेगा कौन। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। जय श्री राम। ना ना, जय भीम। जय श्री राम। जय भीम। मैं कह रहा हूँ ना, महर्षि वाल्मीकि ने उसके बारे में 10,000 वर्ष पहले क्यों लिख दिया था? वो तो पता नहीं होगा। किसने? मेरे तबास नहीं करा भाई, ठीक है, मेरे तबास मत करा। आपको तो ज्ञान होना चाहिए ना। अंडे मच्छी खा का पेट को नहीं भरते हैं। आज मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आपने कुआ दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा पर। एक काफी है और हमारे साथ सीमा जी मौजूद है, बातचीत करेंगे, क्योंकि इनकी पहले भी वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी होगी पहले भी, बेबाक तरीके से बोलती है। पहले जो हमने संविधान के ऊपर बातचीत करी थी, तो आज भी हमारे साथ सीमा मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। सीमा जी पहले तो नमस्कार। जय भीम। जय भीम। लेकर आइयो, उस दिन मेरे को अरेस्ट करने आओगे ना, प्रूफ लेकर, प्रूफ के साथ आइयो, हम कति बिना कहे तो आगे चल लेंगे। अच्छा, अपने आप। अच्छा, बन गया फिर आपका गांव चंडीगढ़? कौन? चंडीगढ़ बना दिया भाई, जब सरपंच ही नहीं आई तो हम कौन आई। अच्छा, आप सरपंच होते तो बन जाते। हां कत्ती चंडीगढ़। हां मैं ना पता क्या, कोई नुका करा ना, गरजेगा तो बरसेगा। हम भाई जितने गरजे इतने बरसे। अच्छा, पूरे हरियाणा में बस आप ही एक ऐसे सरपंच उम्मीदवार थे जो चंडीगढ़ बना दोगे, अब तक तो किसी ने बनाया नहीं। ये काबिलियत सब में नहीं होती है, ठीक है, ये किसे किसे में हुआ भाई, चाहे कोई बुरा मानो चाहे भला मानो। अच्छा, ये बना देते आप चंडीगढ़? बना का के दिखाते, बना का। अच्छा, नक्शा बदल देते इवने तो। अच्छा जी। अच्छा फिर पता क्या, मैंने क्या कहा था, सरकार के है ना, मोदी के भी और खट्टर के भी कत्ती अलक में डंडा दे देगा ना, रुपये लेकर आऊँ, ठीक है, वरना ना जोड़ थी जो सी पैरा में लत्ता दर गई थी इसके, मैं तो गिट्टी पकड़ पकड़ कर रुपये लेकर आऊँ अपने गाँव खातर। अच्छा, हाँ, वरना जोड़ थी जो इसके पैरा में सीएम के, वहाँ उसने मजबूरी में उसके लत्ता धरना पड़ा था। मारी चुन्नी 50 की है, लेकिन मारी करोड़ों की इज्जत डकती है, ये किसी के पैरा में गेरन खातर को नहीं है, समझ गए। अच्छा फिर अभी ये बताओ, चुनाव होंगे आपके हरियाणा में भी, चुनाव है मध्य प्रदेश में भी, चुनाव है, कहाँ रुझान लग रहा है? मोदी जी फिर आ रहे हैं दोबारा फिर, या फिर कहीं ना कहीं? भाई हरियाणा में तो कति है ना, नू को आकर ना जिसा आ रहे, मैं तो कुत्ता जाकर रहा ना, नू जाऊगा। क्या बात कह रहे हो आप, मोदी जी पूरे देश में फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं? तेरा रिश्तेदार है के मोदी नू बता दे मने, आपका रिश्तेदार है के मोदी जी का डंका बज रहा देश में, आपका बज रहा, मोदी जी का डंका बज रहा। एक बात मोदी जी, सुनो मेरी बात, जब मोदी जी बजता ना तो यू ओका ठाए को नहीं, फिर दुनिया के मुंह आगा लगाए। मोदी जी हिंदू ना, हाइट देख तेरी कितनी है, तो कितने पुलिस की वर्दी में या आर्मी की वर्दी में होता, ठीक है। मोदी जी का मोदी जी हिंदू रख सके, हिंदू की हिंदू का ख्याल रखे, कहाँ हिंदू, मोदी जी हिंदू का कहाँ हिंदू, अपने देश में सब कहाँ हिंदू, आपके देश में, आपके देश में वे हिंदू हैं जो से गौआ ना अपने आम है, जो से लुगाइया ना, ठीक है, जो तीन तीन चार चार साल की लड़कार करे, हिंदू है, हिंदू है तू, ऐसे हिंदू आप है। बड़ी बात कह रहे हो अभी। हाँ कह रही हूँ, तू है, तू ऐसे हिंदू आप है। अच्छा, जो वो गलत काम करता, जहाँ कोई लड़की की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, गौ माता की इज्जत नहीं कर सकता, वो हिंदू है। तू है ऐसे हिंदू आप है। अच्छा, मानते नहीं कि हिंदू? मैं नहीं मानती, मैं कभी नहीं किसे तक किस को ही नहीं मानना मैंने, मैं किसे ना नहीं मानती। अच्छा, हिंदू रख आज लग मंदिर में नहीं गई। अच्छा, मैं दूसरे मंदिर में नहीं गई कभी भी, और ना मैं किसे ना मानती, उस दिन की पैदा हो रही। और एक बात और बताऊं, जितनी जिंदगी जीवांगे आप मंदिर को मानते, जीवांगे मंदिर को मानते, किसी की गुलामी करके नहीं जीतते। अगर हमने इससे जिंदगी में गुलामी कर ली ना, तो थू हमारे जिंदगी पर। अच्छा, मंदिर को मानते नहीं आप? मैं नहीं मानती, मैं किसी का नहीं मानती। फिर किसको मानोगे? हम तो अपने बाबा साहब को मानना, मैं किसी को नहीं मानती। अच्छा, मंदिर में आप जिसने मरता शिक्षा दी, जिसने मरता आजादी दिलवाई, जिसने मरता जीना सिखाया, जिसने मरता अधिकार दिलवाए, मैं सिर्फ उसको मानूंगी। आज तक आप गए नहीं मंदिर में? मैं नहीं जाती,
हम किसी के मंदिर मन जाते, आप ही नहीं जाते फिर और कोई भी नहीं जाता। मेरे परिवार में मेरे जो जितने भी है मेरा परिवार है, हम 15-16 घर है, हम किसी दूसरे के मंदिर में नहीं जाते। अच्छा अच्छा, हम नहीं जाते। आप हिंदू नहीं हो? कौन? आप हिंदू नहीं हो? हम ना। और क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ पत्रकार जी, मैं हिंदू नहीं हूँ। और मैं उन हिंदुआ की बेटी नहीं बनना चाहती, मैं उन हिंदुआ की बहू नहीं बनना चाहती जो रख सकता बख सको जी। फिर आप कौन हो, फिर आप ये बताओ कौन? आप कौन? हम तो एक मामूली से इंसान है। अच्छा, इंसानियत है हमारे अंदर। अच्छा ठीक है, हम तो बस इंसान है, हम हिंदू नहीं है। अच्छा, मोदी जी जय श्री राम भारत माता का नारा लगाते हैं। अरे मोदी, मैं नुका रही हूँ, मोदी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी वहाँ घंटा बजाए जाओ फिर बैठ का 24 घंटे बैठो, देखा राम उसके मुँह में रोटी दे देगा के तोड़ का। फिर मोदी हिंदुओं की आस्था है, मंदिर बनना तो था ना मोदी जी, तो फिर बैठा क्यों नहीं मंदिर में? अभी बनेगा ना, फरवरी में उद्घाटन। अगर सुनो मेरी बात, मैं मोदी को कहती हूँ आपने राम मंदिर बना दिया, इतने करोड़ रुपए लगाए, तो जनता वोट देगी। अगर राम मंदिर बना दिया, भगवान बेच का, भगवान बेच का वोट लेंगे, बेचा गया भगवान मंदिर बना तो भगवान के। एक बात बताओ, मैं किसी की मूर्ति हाथ में ठाका और मैं नुकूंगी अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, तो चट्टेगा कौन उन्होंने? मैं चाटूंगी, मैं मजे लूटूंगी, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया वो ठीक नहीं है? कौन कह रहा है? हिंदुओं की आस्था है, हिंदू खुश हो रहे हैं, हिंदू। हम नहीं, हम खुश नहीं है, हम नहीं खुश है। हम तो जब खुश होते, एक बालक ने नू कही थी क्या ना, वो था जो यो था, मेरे नाम नहीं याद है, उसका ये पूछा कि बाबा शिव जी पे दूध और जल क्यों चढ़वाते हो? कि अपनी आस्था होती है भाई, वो है दूध। मैं क्या हूँ जो वो है दूध किसी गरीब के बालक ने मिल जाए पीण ना, या फिर किसी अपने बालक ने मिल जाए, तो बालक की सेहत बनेगी, बालक में एनर्जी आओगी, बालक तंदुरुस्त होगा। भाई जब हम शिवलिंग पे दूध जल में दूध चढ़ा कर आओगे, वो हमारे पैरों में आओगा, ठीक है। तो वो दान करने से कौन सा मना करे? वो तो एक आस्था है, शिव जी पे चढ़ाना भी हो तो एक वो है, अपनी आस्था है, वो गरीबों में बांटो। दान का जवाब भी देंगी, इतना दानी है ना, दानी वीर है। अगर मंदिर में इतना करोड़ रुपया लगाए गरीबा की बेटिया ने ब्याह धंधा, जो मजदूर किसान अब उनको दे देता, ठीक है, किसी जिसका झोपड़ी है, जिसके सिर पर छत नहीं है, उसके गरीबा के घर बनवा देता। वो के मना कर रहे हैं गरीबों को भी दे पैसे। अच्छा, मंदिर से ही क्यों आप इतना नाराज हो? क्या बात होगी मंदिर से? मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे, और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। और जितने दिन आप कहोगे मैं मेरा मन मानेगा, मैं बैठूंगी मंदिर में, मैं बजाऊंगी सारा दिन घंटे उड़ा, नू देखूंगी मैं राम मेरे मुंह में रोटी देगा के तोड़ का। अच्छा, मोदी जी मेरे बच्चों ने रोटी बनाया का देगा के छोटे छोटे बच्चों ने। मोदी जी के उद्घाटन में जाएंगे राम मंदिर के आप? हाँ भाई, वो लाखों करोड़ों में रुपये इकट्ठे होंगे, भरदे बोरी मर सा पाओगा। कौन भरदे बोरी में? आपने दान दिया नहीं होगा, दान मंदिर दान? हम ऐसा दान नहीं भाई, हम ना तो दान नहीं है ना, हमारे द्वारा दान करना ना पैसा, हम तो भाई श्रद्धा समान जो हमारे पास इच्छा हुआ वो कर दे हैं। बाबा आज बेचारा आटा चून गाल दे, और हम इतने बड़े दानी नहीं है ना, हमारे द्वारा कुछ है दान करना, ठीक है। अच्छा, ये एक बात बताओ, आज इस बात का आप जवाब दियो, सरकार का पैसा यो आवाज उसमें लगा रहा, कहीं राम मंदिर बनवा रहा, कहीं कुछ बनवा रहा, कोई विदेश में घूमने जा रहा, अरे तेरे देश में गरीबी हो रही, इसने दूर कर लेना। अच्छा, मोदी जी से बढ़िया सूट पहनते हैं और मंदिर बनवाते हैं, ये मतलब वैसे ही खर्चा है, बेफजूल का खर्चा है। हाँ, मंदिर बनना बेफजूल का? हाँ, क्यों बेफजूल का? बेफजूल ना, कोई गलत बात थोड़ा है मंदिर बनना? गलत मैंने ये नहीं कहा था भाई, मंदिर बनना गलत बात है, लेकिन भगवान के नाम पे मांग का खाना बहुत गलत बात है। अच्छा, मंदिर एक आस्था है हिंदुओं की, आप खुश नहीं हो मंदिर बन गया? भाई हम तो खुश नहीं, हम तो खुश नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर आप कौन से भगवान का मंदिर? भगवान ने नू कहा था, ठीक है, जो जिसने मानने का ना, उन्होंने नू कहा था कि बेटा मेरे चरणों में कुछ नहीं है, मैंने तेरा हाथ लगा दिए, पैर लगा दिए, बुद्धि दे दी, शरीर बना दिया, ये भाई तू खुद करका खा और अपने बालका ना पाल, मैं तो इतने में ही खुश हो जाऊंगा। अच्छा, देश विदेश से आएंगे वहाँ पर, बढ़िया रोजगार मिलेगा लोगों को, बढ़िया वहाँ पर जो है काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, आप चाहते नहीं? हाँ, रोजगार तो बहुत मिलेगा भाई, गेट के आगे नू लाइन में बैठेंगे, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, ये रोजगार ही तो है। अच्छा, तो वही देखो मतलब ये रोजगार है, गेट के आगे मेरे वर्गी गणिया बैठेंगी बेचारी,
और गणे तेरे वर्गे बैठेंगे भाई, कति कटोरा लेकर हाथ में लाइन में बैठेंगे नू। अच्छा इतने कट्टरपंथी क्यों आपने अपने कौन आप इतने कट्टर क्यों आप अपने अम्बेडकर वादी इतने कट्टर क्यों जो राम को नहीं मानते? हम तो जो सच्चाई है ना उसने क्या करा है, हमने मारा तो हमारे तो खुद का एक है ना स्टैंड है, और कोई हमारे घर में भी ऐसी कोई बात कहेगा ना हम उसको उसी टाइम रोकते हैं जो नहीं बढ़िया, और जब बढ़िया होगी तो हमारा बच्चा भी मेरी गुड़िया भी कह देगी हम उसके भी मेले साथ खड़े होंगे। अच्छा खड़े होंगे साथ। अच्छा तो चलो एक बार नारा लगा दो, जय श्री राम। ना ना जय भीम जय श्री राम जय भीम। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी कह दूंगा, मैं भी कह दूंगा जय भीम। आप भी कह दो जय श्री राम। ना 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 मतलब क्या दिक्कत? हम झूठी दलाल ली ना तो खाते और ना झूठे दलाल ओनू कहया करा किसे बड़े सियाने ना हमारे दादा पड़दादे नु कहया था गांडुआ का सरदार बनता तो बढ़िया ना इज्जतदार की गुलामी कर लो ठीक है, हम तो भाई इज्जतदार की गुलामी कर लेंगे पैरों में पड़ जाएंगे जो बढ़िया। अच्छा आपसे हिंदू नाराज होंगे फिर? कौन दे भाई हिंदू मेरे घर थोड़ा ना खान ना देखा जा मैं बताऊंगी ना हिंदू नाराज होंगे जो सा हिंदू भाई मेरे सामने का देखो। अच्छा ये डिफाइन करके बताओ भी आप नारा क्यों लगाते जय श्री राम? ना मैं नहीं लगाती, मैंने कभी नहीं लगाया जब भी के लगावा थे हम। अच्छा कभी भी लगा ना मेरे मायके में नहीं कोई मानने था ना हम मानते, हम नहीं मानते किसी ने। अच्छा एक छोटा सा मेरा सवाल है, जैसे आप महर्षि वाल्मीकि को तो मानते होगे? हां मानना मानते हो? हां उन्होंने 10,000 वर्ष पहले ना उन्होंने राम के बारे में ये लिख दिया था ठीक है। अब मैं घनी सारी कह दूंगी ना तो तेरे है ना ये जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले है ना ये बहुत बड़े तो अभी भी कमेंट करेंगे, बड़े बड़े लाइन में लिखेंगे ये ठीक है। वो राम जी ना अपने बारे में नू भी नहीं पता था अख मेरे साथ के घटना घटने वाली है, वो राम है जो औरत के ऊपर बार बार कति पैर पैर पर शक करने वाले ठीक है, मैं नहीं मानती। अच्छा राम जी को तो सब कुछ पता था? किसको? राम जी ने की क्या होने महर्षि वाल्मीकि ना उसके बारे में 10,000 वर्ष पहले क्यों लिख दिया था? वो तो मतलब एक बात होता है वो भगवान थे विष्णु का, विष्णु का व्यास मत करा हारजेगा नहीं हारजेगा। चलो आज मैं कह रही हूं हारजेगा। चलो आज थोड़ा सही तो बताओ विष्णु भगवान का अवतार थे, उस भगवान को पता नहीं होगा? किसने? राम जी को पता नहीं होगा? तो उसने के मारा था जब उसको श्राप मिला था, चला गया लाइन पा आगे चलो भाई, जब उन्हें श्राप मिला था उन्होंने कैसा बुरा काम करा था जो श्राप मिला था भाई 10,000 वर्ष पहले तेरे साथ है ना, 10,000 वर्ष के बाद तेरे साथ ये घटना घटेगी, उन्होंने क्या गलत काम किया था चल ये बता फिर मैं बता। किसने किया था गलत काम? राम ने। राम तो अवतार थे, भगवान का अवतार थे वो, पर जब वो विष्णु थे उन्होंने क्या काम गलत करा था मैं बताऊंगी, फिर आप बताओ पहले। जब आप भगवान गलत काम कर ही नहीं सकते, मैं देखूंगा मैं बताऊं क्या करया था। एक चकवा और चकवी है ना दोनों बैठे थे एक डाल पे, उसने ना खींच का तीर मारा था और चकवा मार गिराया था ठीक है। अच्छे अच्छे। और ऋषि वाल्मीकि जी वहां तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था अक जा पापी तना बैठे जीव सताए, और 10,000 वर्ष पहले बाद में तेरे है ना एक उसके घर में पैदा होगा तू उसके जसरथ के, और वहाँ राम के नाम का तेरा होगा, और फिर तेरी सीता जागी चुराई, और तो जैसे है ना ये चकवी फिर रही है ना चकवे के बगैर, तू भी सीता के बगैर नू ही तड़फदा फिरेगा। अच्छा। अगर हकीकत ना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दियो जिसने जी रामायण के बारे में पता हो। अच्छा ये बात थी तो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग के मैं भी कह रहा हूँ ये बात तो राम जी ने अवतार इसलिए लिया था कि वही राक्षस संहार करना था, राक्षसों का विनाश करना था, इसलिए राम जी ने अवतार लिया था। सीता माता तो असली जो है रावण के पास थी भी नहीं, वो तो अग्निदेव के पास में थी, इस बात का आपने पता नहीं होगा। किसने? मेरे तबास नहीं करा भाई ठीक है, मेरे तबास मत करा ठीक है, मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हो रही हूँ ठीक है। रामायण लिखी आपने तो, बात और बता आपको तो ज्ञान होना चाहिए ना। अंडे मच्छी खा का पेट को नहीं भरते हैं, आज मैं कहना नहीं चाहती लेकिन आपने कुआ दिया, गंदी चीज खा का पेट को नहीं भरते हैं, चटनी रोटी खा मैं, और आपने हमारा हालात भी देख लिया हम कैसे सिचुएशन में ठीक है, बड़े ज्यादा बड़े वो को नहीं है गरीब है लेकिन है ना गरीबी में रह रहे चटनी रोटी खा रहे लेकिन ज्ञान में जान को नहीं देऊ तना। अच्छा जी चलो भाई ज्यादा काफी बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन सीमा जी ने काफी जो बताया आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा और लगातार हमारी बातचीत होती रहेंगी और कुछ आपके कमेंट होंगे तो कमेंटों के रिप्लाई जरूर देंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भीम जय हिंद जय भीम।